प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, श्वेतासरण डोमर मॉडल किस इश्यू में दिया गया था?
अल्फा है सर, आई बट अल्फा 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 ही जी सर, जी सर।
डेल्टा पेक डेल्टा वाई के जगह पर उसका यहाँ जब से मान बैठा देंगे डेल्टा आई अल्फा ठीक है मान बैठा देंगे डेल्टा आई Thank you.
Delta I by I equal to alpha into delta, यही इक्वेशन है जिसको कि हम लोग इतना सात स्टेप में डेराइव ओवर करता है. जैसे ही विनियोग होगा विनियोग से तो बातें होती आय में वृद्धि हो. उत्तीयता व्यवस्था में उत्पादन क्षमता वृद्धि हो और डेल्टा वाई डेल्टा पी लगातार व्यवस्था में विद्यमान रहे. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव
दोनों को समान माना है। ग्रोथ बढ़ेगा। दीजिए पैरेलल थोड़ा हट करके ये आय है, आय का थोड़ा सा हिस्सा उपभोग के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, पैरेलल लाइन सेविंग हो गया। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या कटाव होता है? Thank you.
और मॉडल का सूत्र बताओ तो हेमा लास्ट सूत्र श्रीमान डेल्टा आई बाई आई is equal to delta into delta, sorry, alpha into delta. इसे बोलो तो? तो delta I by I बराबर alpha into delta. Correct. इसमें अर्थव्यवस्था inflation आएगा, मुद्रा स्फीति आएगी, मुद्रा अवस्फीति आएगी, सतत स्टेडी ग्रोथ हो. श्रीमान डेल्टा आई बाई जब डेल्टा आई बाई आई इज ग्रेटर देन अल्फा इनटू डेल्टा तो मुद्रा स्थिति आएगी अर्थव्यवस्था में. जब डेल्टा आई बाई आई इज लेस देन अल्फा इनटू डेल्टा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा अविस्थिति आएगी. और जब डेल्टा आई बाई आई बराबर रहेगा अल्फा इनटू डेल्टा के तो अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी. यस सर. अल्फा किसे कहते हैं? देख लो. हाँ सर एक बार देखिए. सिंबल उत्पादक था. पूंजी का सिंबल उत्पादन अल्फा है. नहीं एपीएस है. एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू सेव. एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू सेव है. हाँ. हम डेल्टा. करवा रहे हो. डेल्टा जो पूंजी की पूंजी की सीमा डेल्टा जो है पूंजी की बचत का ये एवरेज. दोनों अगल बगल भाई बहन की तरह खड़ा है जी. Yes, अल्फा जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति है. सीमांत औसत बचत औसत औसत बचत प्रवृत्ति दोनों बराबर है. औसत बचत प्रवृत्ति है. Yes, सर. बचत प्रवृत्ति के बराबर भी. Yes, सर. बराबर. सिग्मा जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डेल्टा है सर. डेल्टा ना सर. डेल्टा सर. सिग्मा का प्रयोग कहाँ किए हैं? डेल्टा है. डेल्टा डेल्टा जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जी. पूंजी की सीमांत उत्पादन बचत का सीमांत उत्पादकता है ये अल्फा. नहीं औसत उत्पादकता. औसत औसत बराबर. हाँ औसत बचत प्रवृत्ति मार्जिनल भी है बराबर. मार्जिन की औसत प्रवृत्ति बराबर पूंजी की सीमांत उत्पादकता. तो तुम बताओ तो डोमर का क्या सूत्र है? लास्ट सर. लास्ट सूत्र. लास्ट सूत्र क्या? वही असली सूत्र वही है. श्रीमान डोमर महोदय का लास्ट सूत्र है. लास्ट नहीं बोलना चाहिए. तो क्या बोल रहे हो भाई? तो लास्ट नहीं बोलना. सूत्र लास्ट नहीं बोलो ना. डोमर महोदय का. हाँ डोमर महोदय का सूत्र है डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा. अल्फा किसको कहते हैं? औसत बचत प्रवृत्ति को. डेल्टा डेल्टा कहते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता को. अब मनीषा तुम बोलो तो डोमर मॉडल क्या कहता है? डोमर मॉडल क्या कहता है?
श्रीमान डोमर का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सदैव आय तथा उत्पादन बराबर रहता है। आय में वृद्धि होगी तब उत्पादन में वृद्धि होती है। डोमर के अनुसार अर्थव्यवस्था में वाई इज इक्वल टू आई बटे अल्फा, जहां अल्फा अल्फा है, अल्फा पूंजी की बचत औसत मार्जिनल एपीएस है, औसत बचत प्रवृत्ति है। वाई आई है आय विनियोग है। डोमर के अनुसार अगर आय में वृद्धि कर डेल्टा आई करेंगे तो वाई में भी वृद्धि कर डेल्टा वाई स्वतः हो जाएगा। डोमर का कहना है कि उत्पादन पी सदैव डेल्टा 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 के से निर्धारित होता है, इसीलिए पी बराबर डेल्टा के होता है। डोमर का कहना है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी में वृद्धि करेंगे तब उत्पादन में वृद्धि हो जाता है, इसीलिए डेल्टा पी बराबर डेल्टा डेल्टा के होता है। डोमर का कहना है कि अर्थव्यवस्था में डेल्टा के सदैव आय विनियोग के बराबर होता है, इसीलिए डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा के बराबर आय है, इसीलिए डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा आय। डोमर का कहना है कि आय में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। डोमर महोदय का कहना है कि विनियोग से दो बात होती है, प्रथमतः आय में वृद्धि होती है, द्वितीयतः अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, तो इसीलिए डेल्टा वाई बराबर डेल्टा पी होगा। लगातार अर्थव्यवस्था में वृद्धिमान होगा डेल्टा लगातार अर्थव्यवस्था में वृद्धिमान होगा एमपीएस बराबर एपीएस दोनों को समान माना है, बचत एवं विनियोग से ग्रोथ बढ़ेगा। सर जब बोलना हो इंटरव्यू में तो डायरेक्ट यहीं से तो बोल सकते हैं कि डोमर महोदय ने आर्थिक विकास में विनियोग को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और विनियोग करने से आय में वृद्धि होती है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, ऐसे होगा। लास्ट में भी हम वहाँ बोलेंगे, हाँ, लास्ट में वहाँ बोलने के लिए भी कारण श्रीमान विनियोग डोमर महोदय का कहना है कि विनियोग से दो बातें होती है, प्रथमतः आय में वृद्धि होती है, द्वितीयतः अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। लगातार श्रीमान डोमर महोदय ने 1946 ईस्वी में अपना एक्सोजेनियस ग्रोथ मॉडल विकसित किया। इसमें डोमर महोदय का कहना है कि विनियोग जब अर्थव्यवस्था में विनियोग होती है तो इनसे विनियोग से दो बातें होती है, प्रथमता तो आय में वृद्धि होती है, द्वितीयता अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा पी लगातार अर्थव्यवस्था में वृद्धिमान रहेगा। एमपीएस बराबर एपीएस दोनों को समान माना है, बचत एवं विनियोग से ग्रोथ बढ़ेगा। डोमर महोदय ने सूत्र दिया है डेल्टा आई बाय डेल्टा डेल्टा आई बाय आई बराबर अल्फा इंटू डेल्टा, जहाँ डेल्टा आई जो है वो विनियोग में वृद्धि है, आई विनियोग है, अल्फा औसत बचत प्रवृत्ति है और डेल्टा पूंजी की सीमांत क्षमता है। और जब डेल्टा आई बाय आई बराबर अल्फा इंटू डेल्टा होता है तो अर्थव्यवस्था सतत अवस्था में होती है, सतत समृद्धि स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था बनी रहती है। अगर डेल्टा आई बाय आई ग्रेटर अल्फा इंटू डेल्टा होता है तो मुद्रास्फीति आएगी, और डेल्टा आई बाय आई अगर लेस देन अल्फा इंटू डेल्टा होता है तो मुद्रा अवस्फीति आएगी। सब लोग का सारा हर पर एक बार वही आएगा ही, गेम्स में आएगा, इंटरव्यू में आएगा, इसके पांच पांच लाइन को बढ़िया चुन के रखें सर। पांच लाइन अच्छा होगा, जिससे कि पांच लाइन बोलने में बोलना चाहिए पांच लाइन में, कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन अराइज ना हो। एपीएस एमपीएस बोलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन अराइज कर सकता है, या डेल्टा डेल्टा अल्फा बोला जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी अराइज हो जाएगा। लेकिन एपीएस उसमें एक पैराग्राफ में है, हाँ वो तो है, लास्ट पैराग्राफ है ना,
सिंपल बात तो तुम बोलो तो जरा। श्रीमान डोमर महोदय ने अपने मॉडल को 1946 में इसको दिया और उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार दोनों बराबर पाया जाता है, लेकिन आय तथा रोजगार के साथ साथ उन्होंने विनियोग को भी अपने मॉडल में महत्व दिया। उन्होंने कहा कि विनियोग में से दो बातें हो सकती हैं, आय में भी वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। और जब अर्थव्यवस्था में आय वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो इससे बचत एवं विनियोग दोनों बढ़ेगा और लगातार ग्रोथ होगा अर्थव्यवस्था में। सूत्र क्या है? सूत्र है डेल्टा आई बाई आई इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा। वाह, क्या खाई हो भाई, एकदम करेक्ट बोल रही हो सब बात। सर एक बात, सर मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट था सर आपसे कि ये तो है ही सर, ये तो सिलेबस है ही, लेकिन थोड़ा सा करंट अफेयर्स के तरफ ध्यान थोड़ा सा देते ना तो अच्छा था, क्योंकि इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का भी मुद्दा बनता है। और जो है ना वो खुद रोज पढ़ो, वो तो होता है सर, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि तो वहाँ नहीं जाएगी जहाँ आपकी दृष्टि जाएगी। हमारी दृष्टि बंद है, तुम्हारी दृष्टि खुला हुआ है। करेंट सब चीज मुंह में नहीं डालेंगे, तुमको फंडामेंटल चीज बता रहे हैं क्या क्या करते। वो तो है, लेकिन फिर भी आपका एक्सपीरियंस में ग्रोथ दर क्या है, मुद्रा की स्थिति क्या है। नहीं सर, एक क्वेश्चन था सर, हम करंट अफेयर्स पर नजर डाले थे तो एक क्वेश्चन था जो कि नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन था ना कि जैसे अभी कोविड 19 के समय में जीडीपी में एक क्वेश्चन था कि जीडीपी में वृद्धि नकारात्मक जो हुआ है तो किस शेप में वृद्धि हुआ है, तो उसका आंसर लिखा हुआ देखे कि वी शेप में वृद्धि हुआ है। तो वी शेप क्या होता है ये नहीं समझ में आता है। क्या चीज, कौन से वी शेप नहीं जानती हो? नहीं, वी शेप नहीं जानते हैं। यू शेप जानती हो? यू शेप भी नहीं जानते हैं। एवरेज कॉस्ट यू शेप का होता है, नहीं जानती हो? हाँ ये जानते हैं, वी शेप नहीं जानते हैं सर। जो ग्रोथ का जो शेप होता है वो यू शेप होता है, जैसे गिरा नीचे से चौड़ा तो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ जो है वी शेप होता है। हमारे देश में अभी क्या हो गया है, वी शेप ग्रोथ, मतलब आराम से गिरा नीचे। वी लेटर खींचोगे तो क्या होगा, वी कैसे लिखा है? ऊपर से सीधे नीचे आएगा सर, आराम से उठेगा, वहीं से उठेगा। नहीं है कि यू के आकार का अगर होगा, के आकार का होगा तो नीचे थोड़ा सा फेंदी में चलेगा, थोड़ा फेंदी में थोड़ा दूर चलेगा तब ऊपर उठेगा। तीन तरह का ग्रोथ होता है, यू शेप, डब्लू शेप, वी शेप। डब्लू शेप में क्या है, ऊपर से धराम से गिरा, धराम से उठा, फिर दूसरा लहर आया तो फिर धराम से गिरा, फिर दूसरा लहर खत्म हुआ तो धराम से उठा, वो डब्लू हो जाएगा। ये में क्या है कि एक बार गिरेगा नीचे वही माइनस पर पहुंच गया, माइनस टू पर पहुंच गया, वहां से ऊपर उठेगा सीधा, ओरिएंटल नहीं जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा, वी हो जाएगा। ये बात को वी शेप, यू शेप और डब्लू शेप, तीन शेप में इकोनॉमिक ग्रोथ कोरोना काल में परिवर्तित हो रहा है विभिन्न देशों में। कुछ देशों में यू शेप हो रहा है, कुछ देशों में डब्लू शेप है। इटली से में देखिए बहुत लोग मर गए, वहां तो पॉपुलेशन ही कम था ना, और इतना ज्यादा क्षति हुआ। डब्लू शेप में होता है कि ऊपर से गिरेगा नीचे, फिर ऊंचा उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। इस शेप पे क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरेगा और नीचे सीधे ऊपर उठेगा।
ओरिएंटल नहीं होगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में कोविड के समय में इसी तरह से जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, चम्मच मुंह में डाल के चम्मच दे दिए चीनी दे दी उठा उठा के खा लिए। हाँ, इंटरव्यू में आपको करंट अफेयर और डिप्टी कलेक्टर का नहीं अपॉइंटमेंट, आपको क्लास बेसिकली तो इकोनॉमिक्स का ही आने योग्य है कि नहीं, सिलेबस का जो टॉपिक है वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं, उस पर आपको देगा। करंट अफेयर्स पूछने के लिए बीपीएससी नहीं बैठा हुआ है, क्या कहता है इंटरव्यू जो है एक वो दो बार पर ही तुम्हारा पूरा इंटरव्यू हो जाएगा। किस तरह से एक्सप्लेन करती हो, किस तरह जीके मजबूत जनरल नॉलेज तो मजबूत रखना चाहिए, करंट अफेयर मजबूत रख ताकि कोई छेड़े अगर वहां इकोनॉमिक्स वाला एगो होगा अद्दू होगा बिना सब्जेक्ट वाला तो उसको नहीं बुझाएगा कि इसे उपटान के पीछे। लेकिन लेक्चरर के इंटरव्यू में बहुत सॉलिड ढंग से सब्जेक्ट पूछता है, जहां नहीं बुझाए वो हमसे पूछ लिया करो, है ना, कंप्लीट करना है। कोई चूक नहीं हो, कोई चूक नहीं रह जाए तो अफेयर में नहीं समझ में आया तो गोल कर दो फिर हमसे पूछ लो, फायदा हो। लेकिन थ्योरेटिकल बात भी घर में अकेले में आईना के सामने में जो जो से पढ़ो जो जो से बोलो अपने इंटरव्यू दो आईना के सामने सब रिहर्सल करता है लड़का सब, बताएगा नहीं तो बोले ना सही गए थे पोस्ट वो खाए चले गए इंटरव्यू के बताने जाएगा कुछ का इंटरव्यू दिए हो गया वो ही नहीं बताएगा क्या महंगा के सामने अपने आपको जवाब दी क्वेश्चन कुछ जवाब क्वेश्चन कुछ जवाब वो कीजिए घर पर बहुत जरूरी है। आवाज साफ है आवाज टाइट है वो कही आवाज दबने वाला नहीं है तुम्हारा बराबर ध्यान रखो क्या का इंटरव्यू कोई इंस्पेक्टर का इंटरव्यू नहीं या क्लर्क का नहीं नीचे पूछ के उसको आउट कर इसके कंसेप्चुअल पढ़ना है ना जहाँ नहीं तुमको बुझाया कुछ